पे इतना ज्यादा कर्जा है, वो घर छोड़ करके भागा हुआ है, ब्याज पे पैसा उठा करके इसमें ज्वाइन किया हुआ है। आप भी ये पा सकते हैं, और ये पा सकते हैं तो बस इतना रुपया देना पड़ेगा। तो दो लोग को जोड़ने वाला स्कीम गलत कैसे हो जाता है, जबकि इसमें सब लोग तो पैसा कमा रहे हैं, और कहीं किसी को ऐसा तो है नहीं कि उसने दो लोगों को जोड़ा पैसा नहीं आया। जब पैसा आ रहा है और जब कमाई हो रहा है और जिसको देखें कि आप ज्वाइन किया है वो कमा भी रहा है, तो फिर ये गलत सरकार की नज़र में कैसे हो जाता है? RBI ने पिरामिड स्कीम को क्यों कहा गलत है? और जो आप प्लान समझा रहे हैं या जिस प्लान का आप हिस्सा है, वो पिरामिड स्कीम कैसे हो जाता है? इसको आप लॉजिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, जिसके सामने या तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा आकर के कहा है कि आप बस ज्वाइन कर लीजिए, आपको दो लोग जोड़ना है, इसके बाद लाइफ टाइम आप सेटल हो जाते हैं, आपका कमाई होता जाएगा, दो लोग जुड़ते जाएगा और इतने सर्किल में तो लोग हैं, या आप ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं, ज्वाइन कर भी लिए हैं, फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा कहीं आप पिरामिड स्कीम का हिस्सा तो नहीं बन गए। और पिरामिड स्कीम RBI ने बोला है कि ये इलीगल प्रैक्टिस है। तो अगर आप उस मान लीजिए सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, पिरामिड स्कीम का हिस्सा बन गए, तो कहीं ना कहीं अगर आप आगे काम करिएगा तो आप भी गलत कर रहे हैं। तो ये लॉजिक से समझ लीजिएगा, तो फिर जहां काम किया वहां रोक दीजिएगा, अदरवाइज कोई बंदा आपको समझाने आएगा तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि देखो भाई ये जो तरीका है ना दो लोग को जोड़ने वाला, इस कारण से गलत है। तो कारण क्या है समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जब भी कोई कंपनियां आता है तो कहता है मैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करता हूँ, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस लिया रहता है वो कंपनी, है ना। अब वो कंपनियां क्या करता है, कुछ एक पैकेज बनाता है। पहले बात ध्यान से समझिएगा, यही चीज हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे गलत प्रैक्टिस है, सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो प्रोडक्ट बनाता है और आपको कहा जाता है कि सेमिनार में आइए, शायद यही कहा जाता है। जब आप सेमिनार में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग को दिखाया जाता है स्टेज पे, और इतना ज़्यादा धूमधाम मचाया जाता है, बताया जाता है कि इसके पास ऑडी है, इसके पास फलाना गाड़ी है, इसने इतना दिन में जो है लखपति बन गया, ये तो अब करोड़पति बनने वाले हैं, ये सिल्वर है, ये डायमंड है, पता नहीं क्या क्या है बना दिए, ठीक है, लेवल वाइज बना दिए, चलो ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है और कहा क्या जाता है, अगर आप भी सपना देखते हैं, आप भी लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप बस इसमें ज्वाइन करिए। और जैसे ही आपको ज्वाइन कराया जाता है, जो भी ले करके जाता है बंदा, वो अपने नीचे, चूंकि उसको दो जोड़ना है दो बंदे को, अब ये कह के ज्वाइन करवाया जाता है कि आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक तरह से ज्वाइनिंग ही हुआ, अब आपको बस यहाँ से शुरुआत कर देना है, और जैसे जैसे ज्वाइन कराएंगे आपको पैसा बनता जाएगा। लेकिन ये बात कहीं नहीं बताया जाता कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको एक पैकेज का जो प्रोडक्ट दिया जाता है उसके बदले में ये फी लिया जाता है, और जैसे ही कहा जाएगा कोट पैंट बर्तन ये सब के लिए आपने ये पैसा दिया है, अब आपको ये बर्तन और कोट पैंट बेचना है, वैसे ही आप वहाँ से भाग जाइएगा, यार मैं यही काम करूँ। तो आपको कहा गया प्लान ये है, आप इसमें ज्वाइन करिए, जैसे आप ज्वाइन करेंगे फिर आपको दो लोग को जोड़ना है और फिर आपको आराम से बैठ जाना है। अब वो दो लोग अपने लेफ्ट और राइट में जोड़ता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा जोड़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलता जाएगा, और कमीशन मिलेगा तो आपको कमाई होगा। फिर आपके मन में आएगा कि ये जो कमीशन मिल रहा है ये तो गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एजेंसी है, कोई भी एजेंसी किसी भी चीज़ का, वो प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको भी कंपनियाँ कमीशन देती है। अफिलिएट मार्केटिंग का जो तरीका है कमाने का, पैसा कमाने का, उसमें जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है तब भी तो इनकम मिलता है, कमीशन मिलता है, तो यहाँ पे भी तो कमीशन मिल रहा है, तो ये गलत कैसे है? ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। पिरामिड स्कीम पहले समझ लीजिए। पिरामिड स्कीम का हो गया कि एक ऊपर में है, पिरामिड का शेप रहेगा, इसके नीचे दो है, फिर ये दोनों के नीचे दो दो है, और ऐसे करके एक ऐसा चेन बन जाता है जो जा करके बाद में इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। अब आपको ये कह के समझाया जाता है कि सोचिए अगर अभी ज्वाइन किए हैं, दो लोग को ज्वाइन करा देते हैं, बाद में जितना ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलता जाएगा, तो कितना ज़्यादा लखपति होगा। बात सही है, जितना ज़्यादा लोग जुड़ता जाएगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलता जाएगा, उतना ज़्यादा पैसा आपका बनता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, आपने जो पैसा दिया है एज ए इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब आपसे ये कहा गया है ये पैसा आप इन्वेस्ट करिए और आप जो है अपना ID जनरेट करिए और इसके बाद आप टेंशन नहीं लीजिए। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के नाम पे नहीं लगा रहे हैं,
कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है इस पर्पज से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उस कंपनी में, बल्कि एज ए इन्वेस्टमेंट आप वहां पे जा रहे हैं, मतलब आपको झूठ बोल करके ज्वाइन करवाया जा रहा है। पहला गलती यहीं पे हो जाता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जबकि जो कंपनी का आप प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें ज्वाइन करते हैं वो साफ साफ ऊपर में उसके पोर्टल पे लिखा हुआ रहेगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। अगर कोई मेंबर आपको जो है इस तरह का जो है ऑफर दे रहा है, लुभावना बात बोल रहा है, तो वो इलीगल है। वो कंपनी खुद बोलती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जबकि उस कंपनी को भी पता है, कंपनी के ऑनर को भी पता है, कंपनी में जुड़े हुए लोग को भी पता है कि क्या खेल चल रहा है, वही लोग समझा करके भेजते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और बात समझिए। अब हो ये रहा है कि शुरुआत में जो इन्वेस्टर है, मान लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ पे पैसा लगाया गया, जो लोग पैसा लगाया शुरू में तो लगाया, और इसके बाद जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, पहले वाले को खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन जरा सोचिए कि नीचे जब जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जो बेस में नीचे जा रहा है, अब वो बंदा उसने एक बार में पैसा लगाया और इसके बाद जब खत्म होगा तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, उसको क्या रिटर्न मिलेगा, वो ठगाएगा या नहीं ठगाएगा। यही रीजन है कि आप देखते हुए 5 साल 10 साल कोई MLM कंपनी जो है शुरू में खूब पैसा लोग कमाता है और लास्ट में जाकर के जब दम तोड़ देता है और चूंकि ऊपर पैसा नहीं पहुंचता तो वो कंपनी का पूरा मॉडल कोलैप्स कर जाता है और उसमें जिस जिसका पैसा लगा हुआ है उसका पैसा डूब जाता है। और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या RBI है, ये सब का काम होता है कि जो भी इन्वेस्टर है उसके हित में जो रूल्स रेगुलेशन लाया जाए, उसका पैसा कोई फ्रॉड करके ठग ना ले। और जिस कारण से पिरामिड स्कीम को अपने देश में इलीगल घोषित कर दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लोग को जुड़ते जाएगा और जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि नीचे वाले का संख्या इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और चूंकि सबका ज्वाइनिंग फी तो एक ही है तो ऐसे में वो सब पैसा ऊपर वाला लेगा और इसके बाद वहाँ से गायब हो जाएगा और वहाँ पे हजारों करोड़ नहीं उससे भी ज़्यादा का फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में सबको कमीशन मिलते रहता है और नीचे वाला जैसे में संख्या घटते जाएगा या मान लीजिए ऊपर संख्या सब बढ़ते जाएगा तो सबको कमीशन मिल रहा है, तो धीरे धीरे एक बार में ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और बाद में पैसा बर्बाद हो गया। बर्बाद किसका हुआ, सबसे लास्ट में जिसने ज्वाइन किया। अब जरा आप सोचिए, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, जरा सोचिएगा, यहाँ पर बहुत स्मार्ट है, ठीक है, सब लोग समझता है, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। अब आपके सामने कोई MLM कंपनी वाला आया, कोई भी आया जो पिरामिड स्कीम रन कर रहा है, वो आपको कहा कि बस कुछ भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये 7,000 10,000 जो भी अमाउंट हो वो पैसा दे देना है, ID प्रूफ दे दीजिए, एक पैन कार्ड दे दीजिए, आपका एक ID बना देते हैं और बस आपका फिर कमाई शुरू हो जाएगा, बाकी मेहनत वो खुद कर लेगा, ऐसा ही कहेगा। और आपके टाइम में, जिस टाइम में आपको वो समझा रहा है, उसी कंपनी का इतना चेन बन गया है कि लास्ट स्टेज आने वाला है। अब सब लोग कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को ज्वाइन करा रहे हैं, दो दो लोग ला रहे हैं, और जैसे ही आपका टाइम आया, आपने पैसा दिया और इसके बाद जो है पूरा सिस्टम कोलैप्स करना है, अब आगे लोग देख रहे हैं सब ज्वाइन किया हुआ है और फिर आगे कोई रेफरल होगा ही नहीं, कोई लोग आगे नया आएगा नहीं, तो आपका पैसा तो फंस गया ना। अब शुरू में जिसने ज्वाइन किया था वो तो पैसा लेके गायब हो सकता है ना, तो ऐसे में ये फेयर कैसे हुआ दोनों इन्वेस्टर के लिए, आपसे पहले ज्वाइन किया उसका भी और आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका भी, तो ऐसे में जो सबसे लास्ट जो है उसके साथ तो अनफेयर हो गया, गलत हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा लोग ठग के भाग गया, तो गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि नहीं बनाएगी। चलिए एक और यहाँ पे बात, यहाँ पे कहा जाता है यार पहले ज्वाइन करो बाद में ज्वाइन करोगे तो रिस्की होगा, वो इसलिए समझाते हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस पूरे सिस्टम में फ्लो है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगा जा रहा है, लोगों को कहीं नहीं बताया जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न मिलेगा, तो कहीं देखें कोई भी इस तरह का कंपनी आपको कोई रिटर्न गारंटी देता है कि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पैसा ले रहा हूँ। देखिए जब कहीं भी आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट टाइप का कंपनी होगा वो आपको एश्योर करेगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं, सपोज डैट आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपका आपको एश्योरिटी मिलता है ना कि आपको इतना परसेंटेज जो है इंटरेस्ट सालाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, इसकी गारंटी होता है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ पे भी बैंक अनाउंस करती है ना कि ये इतना पैसा मिलेगा। अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप न्यूज में देखते हुएगा कि इसका इतना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा,
लेकिन आप इस तरह का जो पिरामिड स्कीम वाला एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो कहीं नहीं बताएगा, बल्कि आपको एक जगह कैटलॉग देगा, उसमें बर्तन, कोट, फलाना ढिगाना ये सब सामान आपको देगा। वो कहीं वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा ले ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस लेके आया हुआ है। मतलब आपको झूठ बोल के ज्वाइन कराया जा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, आपका पैसा तो डूबेगा या नहीं डूबेगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा मनी सर्कुलेशन होता है पिरामिड स्कीम में, इस बात को भी आप समझ लीजिए। मनी सर्कुलेशन क्या हुआ कि आप मान लीजिए आप जैसे ज्वाइन किए तो आपका कमीशन आपके सीनियर को मिला, उसी में से थोड़ा उसको मिला, मतलब सबको आपका मतलब जो सबसे लास्ट वाले हैं ना आपके ज्वाइन करने के कारण सबको कमीशन मिला। मतलब इस पूरे सिस्टम में तभी तक सबको कमाया होगा जब नए लोग सब दिन जोड़ते रहेंगे, जहाँ पे नए लोग जोड़ना रुका ऐसे ही ऊपर से लेकर के नीचे तक का सबका कमीशन रुक जाएगा, और जब कमीशन रुक जाएगा तब जो लास्ट में ज्वाइन किया उसको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, बाबा जी का घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर वाला जो है वो तो एकदम कमा करके मालामाल हो गया, अब ऊपर वाले को आप जान नहीं रहे हैं, और चूंकि कुछ हज़ार ही अमाउंट रहता है ज्वाइनिंग फी वाले, तो लोग जो है इसके पीछे पड़ते नहीं हैं। और एक मोस्टली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा लोग वो जोड़ते हैं जो मतलब जोड़ने का कोशिश किया जाता है, या वो लोग जुड़ते हैं जो विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, जिन्हें बिजनेस का मॉडल नहीं मालूम है, जिन्हें लीगल और इलीगल में डिफ्रेंशिएट करना नहीं मालूम होता है, वो लालच में आते हैं क्योंकि उन्हें सपना दिखाया जाता है, उन्हें गाड़ी का सपना दिखाया जाता है, उन्हें बिजनेस का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें वो हाइप दिखाया जाता है जिसको देख के चकाचौंध से वो लोग सोचते हैं यार मेरा भी तो यही सपना है। वो जो है एक तरह से स्टोरी और सपना बेचते हैं। सपना क्या बेचते हैं, उनको ये विश्वास दिला देते हैं कि आप भी ये पा सकते हैं, और ये पा सकते हैं तो बस इतना रुपया देना पड़ेगा। अब वो लोग, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो लोग गांव में है ना ब्याज पे पैसा उठा करके इसमें ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग जमीन बेच करके ज्वाइन करता है, सोचिए उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एसटीए टोकन के बारे में शुरू में आई थिंक बहुत पहले लोगों को वीडियो बना के बता दिया था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कहाँ से पैसा वो देगा। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे जानने वाले लोग हैं जो ज्वाइन लोगों को कराया करते थे, मतलब कि जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने मुझे सेमिनार में ले गया था और सारा कॉन्सेप्ट मैंने वो आपको वीडियो बना के बताया था, वो बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है जो दूसरा लोग ज्वाइन करवाया कुछ लोगों को, वो जमीन बेच करके पैसा दिया, जिस पे आज ये है कि उस पर इतना ज़्यादा कर्जा है वो घर छोड़ करके भागा हुआ है। ये घटना एक आम इन्वेस्टर के साथ न हो, इसीलिए सरकार ने पिरामिड स्कीम को बैन किया, इलीगल घोषित किया। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कहीं भी कोई भी कंपनी पिरामिड स्कीम रन कर रही है तो ये वीडियो उन सभी लोगों को दिखाइए जो लोग जो है ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें मोस्टली गांव से रिलेटेड लोग जो है गांव में रहते हैं उनको फंसाया जाता है, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो फ्रॉड में नहीं फंसे। मैं तो खुद कहता हूँ यार इतना ज़्यादा गरीबी है, इतना ज़्यादा गरीबी, मैं सिंपल सी लोगों से पूछता हूँ जो मुझे आते हैं कहते हैं कि इसमें ज्वाइन करिए, कि पूरे देश में इतना गरीबी है, अगर ये मॉडल ये बिजनेस मॉडल इतना ही बढ़िया है, सिर्फ 7,000-10,000 लगा के लाखों कमाया जा सकता है, और अपने देश में इतने करोड़ की आबादी है, तो क्यों ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर कर दे कि ज्वाइन कर लीजिए, सब गरीबी खत्म, सब जो है ये मारामारी खत्म हो जाए। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। आपका क्या ओपिनियन, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट में साथ।